दोस्तों, कई बार हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारी फैमिली में कोई हमें ऐसी बात बोल जाता है जो सीधे हमारे दिल पर लगती है। शार्प शब्दों में उसे इंसल्ट करना या बेइज्जती भी कह सकते हैं। और उस इंसल्ट के बाद हम अकेले में जाकर खुद से बातें करते हैं, ऐसे ऐसे जवाब ढूंढते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि अगर उस इंसान ने मुझे आगे से कुछ ऐसा बोला तो मैं उसे ये जवाब दूंगा, उसकी भी इंसल्ट कर दूंगा। देखो यार, हमारे इंसानी दिमाग की ये खास बात होती है, जब हमें गुस्सा आता है तब हम अपने आप को शांत करने के लिए कुछ ऐसी ही हरकतें करते हैं। अकेले में जाकर बोलना या खुद को नुकसान पहुंचाना या फिर अपनी चीज़ों को तोड़ना, अगर इन बातों को आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे हो तो मेरे दोस्त इस वीडियो को पूरी देखना। ये वीडियो आपकी लाइफ की सबसे बेस्ट वीडियोस में से एक होने वाली है। तो यार, जो इंसान आपकी इंसल्ट करता है वो कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा आगे होता है। हो सकता है वो आपसे पढ़ाई में अच्छा हो, या फिर हो सकता है पैसों के मामले में वो आपसे थोड़ा सा अमीर हो, या फिर उसका बैकग्राउंड आपसे अच्छा हो, या फिर उसका रंग रूप आपसे अच्छा हो, क्योंकि आपसे लो लेवल का इंसान कभी भी आपकी बेइज्जती नहीं कर सकता। हमारी सोसाइटी में तीन टाइप के लोग होते हैं। पहले वो जिनको अपनी बेइज्जती से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो सारी बातों को मजाक में निकाल देते हैं। और दूसरे टाइप के लोग वो होते हैं जब कोई इंसल्ट करता है या बेइज्जती करता है वे बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। अगर संभव हो तो वे लोग अपना गुस्सा वहीं पे लड़ाई करके या बहस करके निकाल देते हैं, नहीं तो अकेले में जाकर रोते हैं या फिर खुद को नुकसान पहुंचा लेते हैं। और तीसरे टाइप के लोग, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और समझदार लोग होते हैं। ये लोग अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने आप को काबिल बनाते हैं, अपने गुस्से को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और जब जब हौसला टूटता है तब उस बेइज्जती को याद करते हैं और अपने अंदर की आग को वापस से जला लेते हैं। जैसे जलती हुई आग में घी डाला जाता है, वैसे ही ये लोग अपनी उस बेइज्जती को घी की तरह यूज करते हैं और अपनी आग को कभी भी बुझने नहीं देते। और एक दिन इतने बड़े आदमी बन जाते हैं कि दुनिया उन्हें सलाम करती है। तो यार, आप अपने आप को तीसरे टाइप के लोगों में शामिल करो। आपकी किसी ने बेइज्जती की है ये छोटी बात नहीं है। उस बेइज्जती को हर रोज याद करो और इतनी मेहनत करो कि जिसने आपकी बेइज्जती की है वो आपके सामने मात्र कीड़े मकोड़ों के समान बन जाए। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी तो आप मुझे माफ कर देना, लेकिन यार अपनी इंसल्ट का बदला जरूर लेना, लाइफ में कुछ बड़ा करके दिखाना और उन लोगों का मुंह अपनी कामयाबी से बंद कर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो यार लाइक कर देना, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने का। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।